press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Halogens periodic table के 7th group के elements हैं. ये elements fluorine, chlorine, bromine, iodine और astatine हैं. इस वीडियो में हम halogens और उनकी की reactions के बारे में जानेंगे. Displacement reactions, metals के साथ reaction और hydrogen के साथ reaction halogens की key reactions हैं. अपने elemental form में halogens हानिकारक होते हैं, लेकिन daily life में halogens के compounds का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है. सभी halogens की valence shell यानी बाह्य कक्षा में 7 electrons होते हैं. अपना octet यानी अष्टक पूरा करने के लिए ये एक electron accept करके -1 चार्ज वाले ions में बदल जाते हैं. 7th group में ऊपर से नीचे आने पर इनकी atomic radius 1 electron shell बढ़ जाती है, जिससे इनका melting point, boiling point और density भी बढ़ जाती है. Fluorine और chlorine gases हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन एसिटीन सॉलिड्स हैं. फ्लोरीन हल्के रंग की गैस होती है और क्लोरीन गैस का कलर ग्रीनिश येलो होता है. ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन ग्रे सॉलिड है, जिसका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन पर्पल वेपर में हो जाता है. रेडियोएक्टिव एसिटीन ब्लैक सॉलिड होता है. ग्रुप में नीचे आने पर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी घट जाती है. किसी हेलोजन के ऊपर का हेलोजन हमेशा नीचे के हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा. किसी कंपाउंड में ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन हमेशा कम रिएक्टिव हेलोजन को डिस्प्लेस करेगा. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की मदद से प्रूव करेंगे. ध्यान दीजिए कि इन सभी कंपाउंड्स में हेलोजन शामिल है. जब हम पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरीन वाटर मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती. क्लोरीन के ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में से ब्रोमीन को हटाएगी. प्रोडक्ट में हमें पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन गैस मिलेगी. ब्रोमीन के कारण प्रोडक्ट में मिलने वाला सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन होगा. जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरीन वाटर मिलाया जाता है तो ठीक ऐसी ही रिएक्शन होती है. क्लोरीन के आयोडाइड से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयोडीन निकलेगी. आयोडीन की प्रेजेंस के कारण प्रोडक्ट में मिलने वाला सॉल्यूशन डार्क ब्राउन होगा. क्या आप बता सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर को पहले बताए गए उन्हीं 3 एक्वस सॉल्यूशंस में मिलाने पर क्या होगा? वीडियो रोककर इस पर विचार कीजिए. जब हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड में ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन हो जाता है, लेकिन ब्रोमीन के क्लोरीन से कम रिएक्टिव होने के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती. एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड में जब ब्रोमीन वाटर मिलाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती. ब्रोमीन के आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को डिस्प्लेस करेगी, इसलिए प्रोडक्ट में आयोडीन की प्रेजेंस के कारण डार्क ब्राउन सॉल्यूशन मिलता है. अगर उन्हीं 3 एक्वस सॉल्यूशंस में हम आयोडीन मिलाएं तो आयोडीन के क्लोरीन और ब्रोमीन से कम रिएक्टिव होने के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. हैलोजेंस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाते हैं. सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सॉल्ट मेटल हैलाइड का कॉमन एग्जांपल है. सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण समुद्र या सॉल्ट माइन से किया जाता है. गर्म सोडियम मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराने पर भी सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस रिएक्शन के हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण ये रिएक्शन लेबोरेटरी में नहीं करवाई जा सकती. हैलोजेंस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अपने अपने हैलाइड्स बनाते हैं. इनमें भी अधिकतर अभिक्रियाएं हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं. क्लोरीन गैस का हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना एक एग्जांपल है. आइए एक बार समरी देखते हैं. पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. इनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कम रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करता है. हैलोजन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में अपने अपने मेटल हैलाइड्स बनाते हैं. ये हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करते हैं, जिससे रिजल्ट में हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं.